बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हवाले से बताए गए और उनके क्लोजिंग मेरिट्स और लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और स्टूडेंट्स के कितने चांसेस होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस के हवाले से। तो उसमें जो है हम लोगों ने ये इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया है और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये एंड तक देखेगा और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। आपको बताते चले कि लास्ट ईयर PMC ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जो मेरिट फार्मूला है वो तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का वो ये कंफर्म कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ ये ही मेरिट फार्मूला यूज होगा कि जिसमें 50% MDCAT, 30% FSC और 20% जो है आपके इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो अपना जो है इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उसके जो है मार्क्स 20% लगने थे। तो इस दफा PMC ने जो है वो हर मेडिकल कॉलेज को अलाउ कर दिया कि वो अपना मेरिट फार्मूला चेंज भी कर सकता है। उसके हवाले से आपको बताते चले कि मोस्टली जो इस दफा मेरिट फार्मूला यूज हो रहा है वो यही यूज हुआ है कि FSC के 30%, MDCAT के 50%, इंटरव्यू के आपके 20% मार्क। इसी तरह कुछ मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने जो है वो मैट्रिक के 10% भी काउंट कर लिया है और MDCAT के 40% कर दिए है और किसी ने जो है वो MDCAT की वेटेज को कम करके FSC की 60% वेटेज कर दी है और MDCAT की वेटेज 30% करके 10% आपका इंटरव्यू कर दिया। तो ये तमाम इंटरव्यूज की और जितने भी ये जो मार्क्स कैलकुलेशंस है, मेरिट फार्मूलाज है, ये हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके हवाले से भी अलग अलग वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करेंगे कि आप लोगों ने मतलब कि इसके हवाले से जो क्लोजिंग मेरिट्स है और जितने स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था उसके हवाले से हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट ईयर PMC ने जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने पोर्टल के ऊपर ये एक नोटिफिकेशन और तमाम जो जितने भी स्टूडेंट्स ने प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में जो अप्लाई किया था उनकी लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट और अपने पोर्टल पे अपलोड कर दी थी। उसमें स्टूडेंट्स को जो है ये अंदाजा हुआ था कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई किया था। इसमें आपको बताते चले कि एक स्टूडेंट मल्टीपल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है। इस वजह से आपको बताते चले कि ये नंबर ऑफ कैलकुलेशन मतलब कि इसमें जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने मल्टीपल मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया हो। अब आपको अप्रोक्सीमेटली अगर पंजाब, KPK, सिंध और इसके हवाले से बताते चले कि आप लोग ये देख सकते हैं कि KPK की बात करें तो BDS के अंदर इस मेडिकल डेंटल सेक्शन हैदराबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 4,688 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। रहमान मेडिकल डेंटल कॉलेज जो ऑफ डेंटिस्ट्री पिशावर में 4,457 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इसी तरह ये बाकी जो KPK के डेंटल कॉलेजेस है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अगर KPK की MBBS की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं हैदराबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में जो है वो 8,650 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में 8,580 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इसी तरह पिशावर मेडिकल कॉलेज और मतलब के इसमें तमाम मेडिकल कॉलेज में जितने जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसकी यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइडेड आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड इन सिंध प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। अब इसके अलावा आपको बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनकी जो लिस्ट अगर हम लोग बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर MBBS के जो है 72 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसमें जो है मैक्सिमम पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर आते हैं। इसी तरह 10 KPK और 17 सिंध के अंदर। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 8,000 मेडिकल की सीट्स होती है, MBBS की सीट्स होती है जो कि मतलब के प्राइवेट सेक्टर ऑफर करता है। इसी के अलावा आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पे अवेलेबल है कि हर मेडिकल कॉलेज का कितनी सीट्स है, तो उस हवाले से हम लोग अभी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अप्लाई स्टूडेंट्स इन सिंध प्राइवेट BDS प्रोग्राम अगर उसमें देखें तो जियाउद्दीन डेंटल कॉलेज कराची में 4,277 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इसी तरह तमाम बाकी भी मेडिकल कॉलेजेस है उसकी डिटेल्स हम लोग बाद में भी शेयर करते रहेंगे और आप लोग हमारी वेबसाइट parklearningspot.com पे भी जाके देख सकते हैं। अब अगर सिंध के
मेडिकल कॉलेजेस की बताते चले, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अप्लाई किया था उसमें आप लोग जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में 8794 स्टूडेंट्स अप्लाई किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। अब अगर हम लोग पंजाब की BDS की सीट्स के हवाले से बताते चले तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि शिफा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद के अंदर 6937 स्टूडेंट्स अप्लाई किया था। इसी तरह बाकी मेडिकल कॉलेजेस भी है, बाकी डेंटल कॉलेजेस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब हम लोग मेन बात ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अप्लाइड स्टूडेंट्स इन पंजाब प्राइवेट MBBS कोर्स, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन में इस्लामाबाद में 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई किया थी। इसी तरह लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई किया था। अब आपको मालूम होगा कि जो सीट्स होती है वो तकरीबन अगर दोनों अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की मिला के बात करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट सीट्स है वो तकरीबन MBBS की 8,000 सीट्स हैं। तो उस लिहाज से अब अगर मतलब पंजाब के अंदर 12,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो मेजॉरिटी चांसेस होता है कि आपका जो मेरिट है वो आ जाए। और इस तमाम जो ये जितनी भी डिटेल्स है इसमें शेयर की हुई है, इसकी एक वजह यह है कि ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि कितने स्टूडेंट्स मतलब कि अप्लाई करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में और आपके कितने चांसेस होते हैं। इसमें जो है तमाम मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट जितने कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एक मेडिकल में, कितने सीट्स हैं MBBS की, वो भी आप लोग जाके हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। अब आपको बताते चले के यहाँ पे के आज़ाद कश्मीर के MBBS की भी आप लोग देख सकते हैं कि एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और उसमें तकरीबन 6501 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और अगर अब हम लोग बात करें इनके क्लोजिंग मेरिट्स के हवाले से, क्लोजिंग मेरिट जो होते हैं वो हर साल मुख्तलिफ होते हैं। इसमें हम लोगों ने एक अंदाजन के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड किया है डाटा। अभी तक जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो मेरिट रहा था उसमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है कुछ, और इसकी जो डिटेल है हम लोग आपसे शेयर करते हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि UHS ने जो 2020 के अंदर जो के 7th सिलेक्शन लिस्ट जो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पंजाब वो इसमें प्रोवाइड की थी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इनका क्लोजिंग मेरिट जो रहा था 7वीं मेरिट लिस्ट के बाद भी वो तकरीबन 78.58 मेरिट के ऊपर भी जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया था। अब अगर हम लोग लास्ट ईयर की सिलेक्शन लिस्ट के हवाले से बताएं तो PMC ने अपनी वेबसाइट के ऊपर हर मेडिकल कॉलेज का ये भी अनाउंस किया था कि हर मेडिकल कॉलेज का जो जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनका मेरिट स्कोर कितना रहा है। अब आपको बताते चले कि इसमें तमाम डिटेल प्रोग्राम पार्क रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करें तो उसमें अगर 100 सीट्स है तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी क्लोजिंग मेरिट निकाला जाए तो 72.98 मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कि 72.995 स्टूडेंट जो था वो 100वीं पोजिशन पे था। और अगर आप लोग इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोग 117 स्टूडेंट या 115 में भी चले जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि 72% के ऊपर भी जो है वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा फर्दर अगर हम लोग और मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, ये लिस्ट जो है हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द अपलोड कर ले ताकि आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सके। ये जो लिस्टें हैं मतलब कि अभी जो कि PMC ने अनाउंस की थी वो हमारे पास है, लेकिन PMC ने जो है वो हर मेडिकल कॉलेज की जो लास्ट ईयर की शेयर की थी वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड की थी। तो उसके हवाले से हम लोग आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि PMC के अगर इस राय मेडिकल कॉलेज के हवाले से बताते चले कि अगर 100 सीट्स हैं MBBS की तो आप लोग देख सकते हैं कि 72.709 के ऊपर ये क्लोज किया था। इसी तरह अगर हम लोग रहमान मेडिकल कॉलेज की बात करें जो कि अगर हम लोग BDS की बात करें तो BDS में आप लोग देख सकते हैं कि अगर 50 सीट्स भी है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 72.268। और अगर हम लोग इसकी बात करें रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, इसमें अगर हम लोग 100 सीट्स के ऊपर बात करेंगे कितना मेरिट था वो 73.105 के ऊपर क्लोज हुआ था। इसी तरह फर्दर राशिद लतीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से बताते चले तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेरिट रहा। और फर्दर यहाँ पे तमाम मेरिट ले जो मेडिकल कॉलेजेस है और डेंटल कॉलेजेस है उनकी लिस्ट प्रोवाइडेड है, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि 72, 73 और 71 तक जो है वो क्लोजिंग मेरिट रहा था लास्ट ईयर अगर हम लोग पब्लिक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से बताते चले। तो इस दफा जो है
वो डेफिनेटली कम होगा क्योंकि इस दफा एम डी कैट के मार्क्स कम आए स्टूडेंट्स के। लेकिन आपको बताते चले कि अगर आप लोग देख सकते हैं जियाउद्दीन डेंटल कॉलेज कराची, तो उसमें जो है ये यहाँ पे मतलब कि 100 स्टूडेंट्स के ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं कि इतना मेरिट भी गया। तो फर्दर जो है वो जो भी अपडेट्स आएगी इसके हवाले से हम लोग आपसे शेयर करेंगे। और ये एक अंदाजन मतलब कि क्लोजिंग मेरिट था ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो सके कि भाई कितना मेरिट होता है, कितनी सीट्स होती है और उसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है वो अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।